Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. And today is my second day in Shillong. And I just finished my work just now. And we hired a scooty. This is a Fascino. And it cost us just 500 rupees per day. And 1500 security money required, but it will be returned. And today we are going to some Mavi Krang track. Hai. 3 hours का ट्रैक है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और अभी हम इस पॉइंट से काफी एडवेंचरस ट्रैक है वो इस पॉइंट से हम अपना ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं यहां से यू कैन सी आप व्यू देखो पूरा शिलोंग दिखता है यहां से व्यू बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा है यहां पे घर बहुत ही अच्छे-अच्छे हैं छोटे-छोटे हाउस हैं हट जैसे यहां पे भी ट्रैफिक है दिल्ली में भी ट्रैफिक यहां भी ट्रैफिक यहां पे इस ट्रैफिक में सब सिंगल लाइन में चलते हैं कोई बीच में से नहीं जाता ठंडी लग रही है अरे अच्छा लग रहा है यार कभी-कभी कुछ चीजों को हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होने का सोचना So guys, this is Smith Village का ये taxi stand है और bus stand है. Village नहीं है ये, Smith Village नहीं है, Smith जगह है ये. Smith जगह है. यहाँ पे village लिखा था ना इसलिए मैंने village बोला. Village आगे जाके है. और यहाँ से Lightlam आता है. अगर उधर चले जाओगे तो Lightlam आ जाता है. Okay. तो अभी हम यहाँ पे हैं. Roads यहाँ पे ठीक-ठीक हैं. थोड़े-थोड़े गड्ढे हैं बीच में. थोड़े-थोड़े बहुत ही गड्ढे हैं. दिख ही रहे होंगे आपको. रोड पे और छोटी सी मार्केट भी थी यहाँ पे ये कॉटेज देखो कितना ब्यूटीफुल है ऐसा ही घर होना चाहिए मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए सो गाइस यहाँ पे रोड्स बहुत ही खराब है मुझे स्कूटी से उतर के पैदल चलना पड़ रहा है इन रोड्स पे और आगे भी रोड्स बहुत खराब है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। He's checking the scooty ahead and I'm just following him. जहाँ तक भी मैं कर सकती हूँ, जहाँ तक plain road नहीं आता। अब रास्ता थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे। हमारी स्कूटी ने भी स्पीड पकड़ ली है और हमें जल्दी भी जाना पड़ेगा नहीं तो आते-आते हमें अंधेरा हो जाएगा। Look at this view. बहुत beautiful है ये बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा greenery है बहुत ही ज़्यादा green green है farming कर रहे हैं लोग यहाँ पे road तो बस roads की तो हालत कुछ हो ही मत इतनी difficulties हो रही हैं हमको इन roads की वजह से time ज़्यादा लग रहा है time ज़्यादा लग रहा है पंचर होने का भी डर है सही बात है Look at him. How he is driving the scooty by foot. अब हम फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते से जा रहे हैं. ये देखो पैदल पैदल जाना पड़ रहा है. Slippery भी है ये रास्ता. कैसे जाऊँ? How tough it is. You can see. अब हम हाईवे पे आ चुके हैं हाईवे पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें किसी रोड से छुटकारा मिल गया और हाईवे बहुत ही क्लीन है यहाँ पे और अभी हम जाते समय भी हाईवे से ही जाएंगे हम वो वाला गूगल वाला रास्ता नहीं पकड़ेंगे हाँ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी नहीं हाँ जितना हो हाईवे को फॉलो करें नहीं तो फंस सकते हैं Hold tight, hold tight, can't
और हम फोटो खिंचाने के लिए फिर से रुक गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे एक फोटो तो बनता ही है ना? सही लग भी रहा हूँ। हाँ बहुत सही लग रहा है। Look at her pose. और ये इसका पोज। व्यू देखो आप, फोटोजेनिक व्यू है यहाँ पे। Hey guys, this is the bridge over some river. You can see the river. We are just 6 kilometers away from that village, Vakhan village, from where that trek starts. I don't think कि आज हम trek कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, but I don't think आज हम वापस भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, I don't know. चले जाते हैं Vakhan village को थोड़ा सा explore करते हैं, फिर देखते हैं कि रुकने लायक जगह है या नहीं, अगर अच्छी लगी तो ऑफकोर्स रुकेंगे. So guys, we reached at Vakhan village, and this guy is in charge of this place, and he's charging 50 rupees per head for the trekking, and also he's giving a guide with us. पर सुनने में आ रहा है कि this trek is too difficult for beginners. So let's see how much it's difficult. And this is the way. Yes, so our trek is started from the stony paths. That is jagah ka naam maine bhi board pe dekha tha. Chal aage aage chalte hain. Of the stones. What is this? This is the bridge. This? Arano. Hi. तो नहीं जाना है क्या? जाना है, एक घंटे लग रहा तो ना जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ बैम्बू से बनाया गया है। पहले मेरे को सच बता दे, ये खंजर क्यों लेके जा रहा था? मुझे क्या पता खंजर किधर रखा उसने? काटेगा क्या, बैम्बू काटने जा रहा है क्या? क्या पता कोई जानवर वानवर आता हो। पागल है क्या? सच में? अरे यार सच में तू गाइड। ये पूरा रास्ता हमें कवर करना है, बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ा शेकी है। यहीं रहे मैं खींच देता हूँ। डर लग रहा है यहाँ पे बहुत। Dripping lights, paint the skies, only
गाइस आप देख सकते हो मैं कितनी ऑसम लोकेशन पे हूँ अभी, कितनी अमेजिंग जगह है ये और एकदम मुझे तो क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है यहाँ पे। और ये देखो एक छोटा सा वाटरफॉल भी है यहाँ पे और ये बैम्बू का ब्रिज है, मैं इस पर चल रही हूँ अभी। इट्स वेरी टफ, पूरा ब्रिज हिल रहा है ये। पानी देखो यहाँ पे, पानी कितना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे, है ना। लेग्स की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है। और ये आ रही है बासमती, मजा आ रहा है चढ़ना है। ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। पूरा पार चल गया हमने, ये बंदा तब से एक घंटा कह रहा है, एक घंटा ही कह रहा है। इधर देख, ये देखो कितनी ऊपर आ चुके हैं, बहुत सही है। ओ गॉड, नीचे कुछ भी नहीं है, हाँ जी डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा मम्मी। बहुत ही बढ़िया है, अगर यहाँ से मेरा फोन गिरा हम पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट। आशी फोटो तो क्लिक करा ले, आप देखो नीचे आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट हम काफी हाइट पे हैं।
और हम ये सब क्रॉस करके आए हैं, ये सब क्रॉस किया हमने, इतनी हाइट पे आ गए हम और इनको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी और ये बहुत सारा खाना खाएगी और बैग यहीं छोड़ के जा रही है। देखो ये देखो, आते हुए ले लूंगी ना, कौन सा कोई ले जाएगा, चल कोई नहीं है, इतना भारी है ये बैग, तो उधर तू पकड़ ले, चल आराम से, मैंने कैमरा पकड़ा है, पकड़ियो कितना भारी है, कैमरा पकड़ा हुआ मैंने, चल भैया को पकड़ा दे, पर्स भैया को पकड़ा दे ताकि पैसे ना मिले, 500 रुपये तो है। तो आशिमा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर यहाँ पे आने का? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, पर ट्रैक में थकी जाती है। बट एक्चुअली बात क्या है कि हम थोड़ा टाइम कम है, ये हमारा स्टाइल नहीं है ट्रैवल करने का, हम एक दो जगह बैठते हैं थोड़ा चिल करते हैं, अभी तो हम चले ही जा रहे हैं कुत्तों की तरह, पता नहीं अब टाइट नहीं लग रहा मेरे को थोड़ा, आई एम फीलिंग थोड़ा रिलैक्स, बस थोड़ा डर लग रहा है अगर गिरे तो हम सीधा नीचे। फिर तो हमारी एल भी नहीं मिलेगी, रुक जा, फोटो फोटो पीछे, और आई मीन कितना ऊपर है, वैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, खत्म हो गया तो मोर देर और देर रिटर्न, क्या हर चीज में गर्दन लाता है, चल ट्राई तो कर रहे हम, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने, चल ना गया। अब नीचे ही तो जा रहे हैं हम, ऊपर भी है वो देख, चल लो चल ले यार, कंप्लीट तो करें, ये ऐसे ही होता है तेरा हर जगह, हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, सुबह से हम बाहर ही हैं इसलिए थक भी गई है, भूख भी लगी है, सब कुछ नहीं है, शी इज वेरी स्ट्रांग, पता नहीं हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पता नहीं, तो बस चले जा रहे हैं, ओहो ये तो बहुत खतरनाक है यार, नरेंद्र मोदी को यहाँ आना चाहिए था, डन यही है ना, आगे भी है, आजा आशी बहुत सही है, यहाँ आ गए हम, वहाँ जाना है क्या, वहाँ दैट पॉइंट,
उस पहाड़ पे जाने का हमको। उससे भी आगे है क्या? नहीं वो खत्म है, दैट इज एंड पॉइंट ना। और हम नीचे जाते हुए यहाँ पे नेटवर्क आता है देखो एयरटेल का, एयरटेल का नेटवर्क यहाँ भी आता है ना। बस घर में ही नहीं आता, घर में नहीं आता लेकिन इस पहाड़ पे आ रहा है। देख वहाँ से ज़्यादा यही सेम ही व्यू है देख। अरे बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी हाँ यार निकलते हैं। नहीं अब सनसेट भी हो गया, चलते हैं वापस। में तो कह रही हूँ लेट हो जाएंगे। तू नहीं कहता कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ से ही वापस हो जाएंगे। ये अच्छा है काफ़ी, चल चलते हैं अब यहाँ से। How's it? चले चलो। कितना टाइम? नहीं नहीं कितना टाइम नहीं, मोटा बंदा तो नहीं। उसको बोल रुकने के लिए, रुका हुआ है? नहीं। चला गया? और रास्ता बड़ा ही खराब है, ये देखो कहाँ से जाना है हमें। अगर यहाँ से गिरे तो फोन भी जाएगा, मैं भी जाएगा। ओह गॉड, आओ, मोटा बंदा तो यहाँ से नहीं आ सकता, सही बात है।